बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम आगाज करेंगे चैप्टर नंबर 9 का, जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो डियर फ्रेंड्स, फाइल हैंडलिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइल्स क्या होती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन देखिए। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट प्लेसेस इन हार्ड डिस्क। Data is stored permanently until the user manipulates that data. दोस्तों, अभी तक आप प्रोग्राम में ही डेटा को मैनिपुलेट और यूज करते आए हैं, और डेटा मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, मिसाल के तौर पर आप दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो दो नंबर्स भी डेटा हैं, और उनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो भी डेटा ही है। और आप जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रोग्राम हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक वेरिएबल यानी एक प्रोग्राम में रखे वेरिएबल की लाइफ साइकिल क्या होती है, वो किस तरह से वर्क करता है, तो इसके लिए मान लें आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें 3 वेरिएबल्स में डेटा स्टोर किया। अब आपने अपने प्रोग्राम को बनाने के बाद सेव किया, तो दोस्तों सेव करने के बाद आपका प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क में चला जाएगा। और अब जब आप उस प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क से लोड होता है और मेन मेमोरी में चला जाता है। और दोस्तों, मेन मेमोरी में उसे कुछ मेमोरी मिल जाती है, कुछ स्पेस मिल जाती है। अब जब वो प्रोग्राम एंड होगा, यानी वो पूरा प्रोग्राम रैम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो वेरिएबल्स भी और उन वेरिएबल्स में रखा डेटा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी दोस्तों, एक प्रोग्राम में जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, तो वो डाटा उन वेरिएबल्स में टेम्पररी स्टोर होता है, यानी तब तक के लिए स्टोर होता है जब तक कि वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो ये लाइफ साइकिल होती है एक वेरिएबल में रखे डाटा की। लेकिन दोस्तों, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पिछली बार मैंने जो प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने 2 या 3 वेरिएबल्स बनाए थे जिनमें डाटा को स्टोर किया था, तो वो डाटा क्या था? क्योंकि दोस्तों, यहाँ तो अगर आप गौर करें इस लाइफ साइकिल पर, तो जो हमने डाटा एंटर किया था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमने पहले डाटा एंटर किया था वो क्या था? तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि जब भी मेरा प्रोग्राम एंड हो, उससे पहले ही मेरा डाटा कहीं और जाकर स्टोर हो जाए, और कहीं और भी परमानेंटली स्टोर हो। तो इसके लिए, और दोस्तों हम डेटा को स्टोर क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि बाद में अगर हम अपने डेटा को देखना चाहें, बाद में अगर हम अपने डेटा को यूज करना चाहें, तो वो हम कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए हम आमतौर पर सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करवाते हैं। और हार्ड डिस्क में हम सिर्फ फाइल्स की शक्ल में ही डेटा को रख सकते हैं। और अब जो डेटा हमने अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स में रखा था, वो फाइल में पहुंचा देंगे। अब प्रोग्राम एंड हो भी जाए, वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो क्योंकि हमने अपना डाटा तो हार्ड डिस्क में फाइल की शक्ल में रखा हुआ है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यानी दोस्तों, अगर आप एक प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाने वाले डाटा को परमानेंटली महफूज करना चाहते हैं, तो उसका वाहिद जरिया फाइल्स है। और यही इसकी डेफिनेशन में भी बताया गया है कि एक फाइल बहुत से डाटा का मजमुआ होती है, यानी आप उसमें बहुत से डेटा को रख सकते हैं। और वो डेटा यानी वो फाइल स्टोर होती है हार्ड डिस्क पर, जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज है। और इस सेकेंडरी स्टोरेज पर आप जो भी डेटा स्टोर करते हैं, वो परमानेंटली स्टोर होता है। और कब तक स्टोर रहता है? जब तक के यूजर उस डेटा को एक्सेस, डिलीट या उसमें कोई मैनिपुलेशन ना कर ले। और डियर फ्रेंड्स, यही फाइल्स में डेटा को रखना या फिर फाइल्स में से डेटा को निकालना जो है, ये कहलाता है फाइल हैंडलिंग। यानी एक फाइल पर हम बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन उनमें 2 जो मेजर ऑपरेशंस हैं, वो है फाइल में डाटा को रखना, यानी प्रोग्रामिंग की जबान में फाइल में कुछ राइट करना, या फिर फाइल में से डाटा को निकालना यानी फाइल को रीड करना। और यही 2 ऑपरेशंस सबसे इम्पोर्टेंट है फाइल हैंडलिंग में। और अगर आप दोस्तों फाइल की क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें, तो फाइल 2 तरह की होती है। टेक्स्ट फाइल्स, दोस्तों टेक्स्ट फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स और नंबर्स वगैरह स्टोर होते हैं, जिनको यूजर यानी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दोस्तों, टेक्स्ट फाइल को टेक्स्ट स्ट्रीम भी कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरी किस्म है फाइल की, वो है बाइनरी फाइल्स,
दोस्तों बाइनरी फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि वंस और जीरोस की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती हैं, जिसको कंप्यूटर तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और बाइनरी फाइल्स को बाइनरी स्ट्रीम भी कहा जाता है। और दोस्तों चाहे टेक्स्ट फाइल हो या बाइनरी फाइल हो, दोनों पर आप एक जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये तो जान लिया कि फाइल क्या होती है, फाइल कितने किस्म की होती है, फाइल हैंडलिंग से क्या मुराद है। अब आइए जानते हैं कि फाइल हैंडलिंग परफॉर्म किस तरह से की जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, फाइल हैंडलिंग को समझने के लिए हम एक डायग्राम का सहारा ले लेते हैं कि यह है रैम और यह है हार्ड डिस्क। और आप जानते हैं कि तमाम फाइल्स हार्ड डिस्क में रखी होती हैं। और अब अगर आप इस फाइल में कुछ स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस फाइल को रैम में लोड करवाना पड़ेगा, रैम में लाना पड़ेगा, तभी तो हम इसको हैंडल कर सकेंगे। और इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी जब आप हार्ड डिस्क में से फाइल को रैम में लेकर आते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फाइल को ओपन करना। और दोस्तों इसके लिए C लैंग्वेज आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करती है, fopen फंक्शन। तो याद रखिए, आपको फाइल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, फाइल को रीड करना हो, फाइल पर कुछ राइट करवाना हो, तो सबसे पहले आपको उस फाइल को ओपन करवाना लाजमी है। और फाइल को ओपन करते ही आपकी फाइल रैम में लोड हो जाएगी और तभी आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब कभी भी सीपीयू किसी भी चीज को प्रोसेस करना चाहता है तो उस चीज को हमें पहले रैम के अंदर लाना होता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको फाइल पर भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो पहले उस फाइल को जो कि हार्ड डिस्क में मौजूद है उसको रैम के ऊपर लाना पड़ेगा, तभी आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ फाइल को ओपन करवाने से पहले आपको एक खास पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा। और खास इसीलिए कहा क्योंकि इस पॉइंटर की डेटा टाइप फाइल होगी, क्योंकि दोस्तों यही वो पॉइंटर होगा जो कि आपके प्रोग्राम में इनडायरेक्टली उस फाइल को पॉइंट करेगा जो कि आप हार्ड डिस्क से लाना चाहते हैं रैम के अंदर। और इस फाइल पॉइंटर के जरिए ही आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल पर डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं, यानी जितने ऑपरेशंस आप फाइल पर करवाना चाहते हैं। तो उन सब के लिए सबसे पहले आपके पास इस फाइल पॉइंटर का होना जरूरी है, क्योंकि ये वो पॉइंटर है जो इनडायरेक्टली उस फाइल को पॉइंट कर रहा होता है जो आप हार्ड डिस्क से रैम में लेकर आए हैं। और आखिर में दोस्तों, जब आप फाइल पर अपना मतलूबा ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो फिर आप एक और फंक्शन एफ क्लोज फंक्शन के जरिए उस फाइल को क्लोज कर देंगे, जिसके जरिए दोबारा से ये फाइल रैम से हार्ड डिस्क के अंदर चली जाएगी। और इस तरह दोस्तों फाइल को हैंडल किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक ओवरव्यू देखा कि फाइल होती क्या है, किस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इस फाइल पॉइंटर, एफ ओपन फंक्शन और एफ क्लोज फंक्शन को मजीद डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।